हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल फॉर पाइथन प्रोग्राम फॉर एब्सोल्यूट बिगनर। तो आज हम बनाएंगे एक सर्च इंजन, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं यहाँ पर वर्चुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो है एक नई पाइथन फाइल बना ली है सर्च इंजन ट्यूटोरियल के नाम से। तो गाइस, मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ दे देता हूँ इफ मेन नेम इक्वल इक्वल्स टू मेन, और इसके बाद गाइस हम एक सर्च इंजन बना रहे हैं तो हमको कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैराग्राफ या फिर लिस्ट जिसमें जो है एलिमेंट स्टोर होंगे और उसको हम सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ, एक लिस्ट बनाऊंगा और उसमें बहुत सारे जो है एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मूवीज़ की लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें जो है मूवीज़ रहेगी और हम उसको सर्च करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं मूवीज़ के नेम दे देता हूँ, हो गए एंजल्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और हम दे देते हैं द एवेंजर्स, और एक और मूवी दे देते हैं द स्पेस बिटवीन अस। सो दैट्स इट, यहाँ इतनी हमारी मूवीज़ काफ़ी है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ मूवीज़ दे दी हैं और मूवीज़ की लिस्ट बना दी है, और इसके बाद हम कहीं ये करेंगे कि हम इसको कैसे जो है सर्च कर सकते हैं अगर कोई डालेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक स्प्लिट वेरिएबल बनाऊँगा और इसको स्प्लिट करूंगा। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको सबसे पहले मैं एक कीवर्ड्स में जो है स्प्लिट करूंगा और उसको फिर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्प्लिट करके। तो यहाँ पे मैं फॉर लगाऊंगा, फॉर मूवीज इन मूवीज लिस्ट, मूवीज इन मूवीज लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक लिस्ट है, तो मुझे इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पहले मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो प्रिंट करके, तो मेरे को मूवीज मिल जाएगी पूरी। तो यहाँ पे मूवीज़ मिल चुकी है, अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट वेरिएबल बनाता हूँ और मूवीज़ को मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट में कैसा रहेगा, स्पेसेस में, जहाँ पर भी स्पेसेस है वहाँ पर जो है ये स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊँ स्प्लिट को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है एक एक कीवर्ड्स में जो है ये स्प्लिट हो चुकी है। ओके, अब गाइज यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और हम ये करेंगे इसके बाद कि जो है यूज़र जो है यहाँ पे इनपुट देगा। तो एक यूज़र बनाएंगे और इनपुट लिखेंगे, इनपुट, और इनपुट में लिखेंगे एंटर मूवी नेम, हम मूवी का नाम डाल रहे हैं तो एंटर मूवी नेम। तो गाइज अब हम आगे ये करेंगे कि हम जो है इसको भी स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट यूज़र मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और स्प्लिट यहाँ पे मैं यूज़र डॉट स्प्लिट लिखता हूँ और इसको भी हम स्पेसेस में स्प्लिट कर देंगे। और इसके बाद फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ अभी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। फॉर कीवर्ड वन इन स्प्लिट यूज़र, और यहाँ पे एक और फॉर कीवर्ड टू इन स्प्लिट मूवीज लिस्ट। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट मूवीज, इसको मैं मूवीज़ कर देता हूँ मूवीज लिस्ट। ओके, और इसके बाद मैं इसके अंदर लिखूँगा इफ़ कीवर्ड वन इक्वल इक्वल्स टू कीवर्ड टू, तो क्या हो, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर कीवर्ड इन स्प्लिट यूज़र, मैंने यहाँ पे क्या मतलब स्प्लिट यूज़र के जो है जितने भी कीवर्ड हैं मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया था। तो यहाँ पे जितने भी जो वर्ड्स हैं उसको निकाल लो, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है एवेंजर्स एंड गेम, ये इतने वर्ड्स हैं उसको निकाल लो और उसको आइट्रेट करो, उसको ऐसे आइट्रेट करो कि जैसे कि अगर मैंने आयरन मैन डाला है इनपुट में, अगर मैंने आयरन मैन डाला है तो ये आइट्रेट होगा। सबसे पहले तो एवेंजर्स के साथ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा इन्फिनिटी वॉर द एवेंजर्स, ये फिर यहाँ तक जाएगा। और अगर उससे फिर ये आयरन मिल गया, यहाँ पे मैंने लिखा इफ कीवर्ड इक्वल इक्वल्स टू कीवर्ड टू, तो अगर इसको ये मिल गया तो फिर क्या होती, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक और एक लिस्ट बना लेता हूँ, सर्च लिस्ट। ओके, और यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल जो कि इंट रहेगा, इंडेक्स वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक कर दूंगा इंडेक्स को प्लस इक्वल्स टू वन। ओके, और यहाँ पे अगर मैं इसके बाद होगा यहाँ पे मैं सर्च लिस्ट को डॉट, यहाँ पे मैं डॉट अपेंड कर दूंगा इंडेक्स को। ओके, इसमें अपेंड कर दूंगा मतलब लिस्ट को अपेंड कर दूंगा इंडेक्स।
तो गाइज यहाँ पे मैंने ये किया है कि यहाँ पे जब भी सबसे पहले जो है ये मूवीज आइट्रेट हो, मूवीज लिस्ट में जितनी मूवीज हैं वो आइट्रेट हो, उसमें जो है मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि इंडेक्स में जो है +1 हो जाए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आयरन डाला, आयरन मैन डाला, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आयरन जो है इसके साथ चलेगा, एवेंजर्स के साथ, ये इसको नहीं मिला, फिर आगे जाएगा, ओके, इसको नहीं मिला, और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सब, तो जब तक ये जाता रहेगा जब तक इसको आयरन नहीं मिल जाता, ओके, जब तक आयरन जो है कीवर्ड से मैच नहीं हो जाता। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है मैंने इंडेक्स को +1 कराते जा रहा हूँ। यहाँ पे इंडेक्स, ये एंड गेम में इंडेक्स +1 हो जाएगा, इन्फिनिटी वॉर में +1 हो जाएगा, यहाँ तक का, और यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है ये मिल गया आयरन वाले में, आयरन की जो ये जो पूरी है यहाँ पर देख रहे होंगे, आयरन वाला जो लिस्ट है एक, तो इसके अंदर इसको मिल गया, जो फिर ये वाला अंदर जो है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कीवर्ड इक्वल इक्वल जो कीवर्ड 2 हो गया है तो सर्च लिस्ट को अपेंड कर दो। तो यहाँ पे जो है अगर ये 1 होगा, यहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम में 1 होगा, तो ये दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा, तो चौथा जो है इस पे जो है आ जाएगा। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ सर्च लिस्ट आपको, तो यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट किया सर्च लिस्ट को, तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ आयरन, तो यहाँ पे अगर मैंने आयरन डाला तो यहाँ पे जैसे कि देखा आपने 4 आ गया, मैंने कहा था 4 आ गया, तो इंडेक्स तो ये 0 1 2 3 है, तो हम आप अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं आप यहाँ पे -1 कर देंगे हम इसे, तो 4 आ गया। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं डॉट लोअर, मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि लोअर कर दो, अगर उसने आयरन को कैप स्मॉल लेटर में भी डाला है या कैपिटल लेटर में भी डाला है तो वो जो है बाद में आके सब लोअर हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, ओके। अब गाइस हम ये करेंगे कि इसको मैं सबसे पहले तो मिटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर इंडेक्स इन सर्च लिस्ट, जितने जो इंडेक्स है सर्च लिस्ट में उसको प्रिंट कर दो तुम मूवीज लिस्ट का, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा इंडेक्स डॉट -1। तो यहाँ पे मूवीज की जो लिस्ट है उसमें से इंडेक्स जैसे कि मैंने कहा 4 आएगा, 4 आए यहाँ पे और इसमें -1 कर दिया तो 3 हो गया, तो ये जो प्रिंट हो जाएगा मूवीज लिस्ट का तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट हमारा ये रहा। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ सर्च लिस्ट की जितनी लेंथ है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ रिजल्ट्स फाउंड, और मैं यहाँ पे जो है स्लैश एन भी दे सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्लैश एन देना चाहूँ तो स्लैश एन से न्यू लाइन करेक्टर मिल जाएगा हमको। और अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एवेंजर्स डालूँ और मैंने इसको स्मॉल लेटर में डाला है, तो गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ चुका है 3 रिजल्ट्स फाउंड, और एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, द एवेंजर्स, तो हमारे ये जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं बीच से भी कुछ वर्ड को डालूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ द स्पेस बिटवीन अस मूवी में से स्पेस डालता हूँ बस, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 रिजल्ट्स फाउंड और द स्पेस बिटवीन अस आ चुकी है। तो गाइज ये हमारा बेसिक सा सर्च इंजन बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।